हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टू में। आज की हम बात करने वाले हैं, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में। आप सबको बताऊंगा मैं, एक नेशनल स्कॉलरशिप गुड न्यूज है कि पेमेंट से रिलेटेड, और बैड न्यूज है डिफेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, जिन भाइयों का फॉर्म डिफेक्ट हुआ है वो बच्चे कैसे सुधार सकते हैं अपने फॉर्म को, क्या गलती कर बैठे हैं, जिन्होंने भाई ने अभी तक डिफेक्ट उनका सॉल्यूशन नहीं हुआ, इस वीडियो में आपका देखने पर 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। आप ही मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका डिफेक्ट नहीं आएगा, वो भी डिफेक्ट जो है स्टेट नोडल ऑफिसर से आया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी देने वाला वीडियो कंप्लीट देख लेना। सबसे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड को में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में आपको एक बंदे का दिखा देता हूं मैं स्टेटस उसका। आज यहां पे देख सकते हैं स्टेटस में अंडर पॉसिंग विद बैंक यहाँ पे हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा, और आज की डेट देख सकते हैं 5/11/2022 अंडर पॉसिंग विद बैंक फॉर पेमेंट 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप यहाँ पे रिसीव उसका होने वाला है। कब तक इसका रिसीव हो जाएगा? आज इसका क्रेडिट डेट आ चुका है 5/11/2022, लेकिन अभी तक इसके खाते में क्रेडिट तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। देख लीजिए, जो अंडर पॉसिंग विद बैंक के बाद आपको कम से कम 7 दिन का वेट करना पड़ेगा, 7 वर्किंग डेज। ठीक है, कल संडे रह जाएगा, अगर इसका आज पेमेंट नहीं आता तो कल संडे है, फिर उसके बाद शनिवार को लगभग बैंक बंद ही रहता है एक तरह से। तो हम मानेंगे कि सोमवार या मंगलवार का इसका चांस है कि इसका पेमेंट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो 12 बजे इसका आने वाला है। ये जो है सेंटर सेक्टर स्कीम का बंदा है। पहले इसका स्टेटस जो था पेंडिंग फॉर सेक्शन जनरल में शो कर, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया भी था किसी भी दूसरे वीडियो में, जिसका सेंड टू पीएम फॉर पेमेंट हो गया था काफी दिन पहले, और उसके बाद इसका जो पेंडिंग फॉर सेक्शन जनरल मिनिस्ट्री दिखा रहा था। पेंडिंग फॉर सेक्शन जनरल मिनिस्ट्री के बाद आपका आता है अंडर पॉसिंग विद मिनिस्ट्री, उसके बाद फिर आपका आता है अंडर पॉसिंग विद बैंक। ठीक है, तो इसके तहत इसका पैसा यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है, जिसको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी मुझे देख रहा है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब एक बैड न्यूज के बारे में बात करें, उसको कैसे सुधारे इस जरा देखते हैं। तो बैड न्यूज क्या है, जिन आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं यहाँ पे, इस भाई का एप्लीकेशन मार्क्ड बाय डिफेक्टेड बाय स्टेट नोडल ऑफिसर ने यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है डिफेक्ट कर, डिफेक्ट इस बंदे का डिफेक्ट बाय स्टेट ऑफिसर कर दिया गया है। अभी क्या सुधार से इसने क्या गलती किया था, अगर आपने ऐसा गलती कर रखा है, अगर आपका डिफेक्ट नहीं हुआ है तो समझ जाओ, सुन लो ढंग से, क्योंकि ऐसा फॉर्म आपका डिफेक्ट हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, डिफेक्ट और रिजेक्ट में मतलब समझाऊंगा मैं आपको, तो मैं आपको बताऊंगा क्या आपको गलती नहीं करना है और गलती किया उसको सुधारना कैसे। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले गलती है कि जैसे डिफेक्ट का मतलब होता है कि आपको फॉर्म सुधारने का एक मौका आपको स्टेट ऑफिसर देता है, उसको आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करके दोबारा आप फॉर्म को भेज सकते हैं। ठीक है, और रिजेक्ट का मतलब होता है आपका फॉर्म देखा पूरा ही कुछ गड़बड़ है, तो स्टेट ऑफिसर क्या करता है, फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट जो है 90% स्टेट ऑफिसर बहुत कम रिजेक्ट करता है फॉर्म को, 10% चांस का फॉर्म रिजेक्ट कर दे। तो देखो गलती क्या है, इस बंदे की गलती क्या थी, इस बंदे की गलती ये थी, जैसे मैंने इस बंदे के स्टेटस खोल रखा है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या गलती कर रखा था। आपका यहाँ पर रिमार्क में दिख जाएगा डिफेक्ट जो हुआ है, तो रिमार्क में दिख जाएगा कि आपका गलती क्या है। तो इस बंदे का था कि पेरेंट्स जो प्रोफेशनल था, इस अदर डिटेल में आएंगे, तो जो साइबर कैफे हैं उन्होंने शायद मिस्टेक किया, इन्होंने शायद खुद से मिस्टेक किया, मुझे नहीं पता। अगर आपने ऐसा किया है मेरी वीडियो देखने के बाद भी अगर ऐसा किया है, तो आप फॉर्म को एडिट जल्दी जल्दी कीजिएगा। देख लीजिए, इस बंदे ने क्या किया था कि जो है यहाँ पे XRPF, RXRPF, साइन वर्कर, सेंट्रल आर्म, ठीक है, बेडी वर्कर, तो इन्होंने इनके फादर्स का ऐसा कोई प्रोफेशनल चुन लिया था, गलती से हो सकता है या अनजाने में, जो भी तरीके से आप मान सकते हो। ठीक है, इन्होंने चुन लिया था। अब इसके पर इनके पास क्या डॉक्यूमेंट नहीं था, जैसे मान कोई भी चुन लिया, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, जिस कारण जो स्टेट ऑफिसर है इनके फॉर्म को डिफेक्ट कर दिया गया है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करेंगे कि फादर वास्तव में ये काम करते हैं, तो अगर मान के चलो डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, तब जाके स्टेट ऑफिसर फॉर्म को आपका एक्सेप्ट कर देगा, आपका यहाँ पे फॉर्म वेरीफाई कर देगा। अगर आपके पास कोई, आपके फादर भले ही काम करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसका, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, अदर्स के ऑप्शन में जाना है। मैं यहाँ दिखाया तो अदर्स का ऑप्शन कहाँ गया, ये है, अदर्स के ऑप्शन पे जाना है, उसको टिक मार करना है, और सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, तब जाके ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, डिफेक्ट वाली प्रॉब्लम। उसके बाद अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में फॉर्म जमा कीजिए, संशोधित वाला जो आपका अभी आया एडिट वाला, उसको जमा कीजिए, जिससे आपका इंस्टीट्यूट फॉर्म को वेरीफाई कर सके और स्टेट ऑफिसर फॉर्म को समय के तहत वेरीफाई कर सके। लास्ट डेट और मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा में करवाता हूँ, लास्ट डेट अगर जो भी बनता है इस स्कीम का, चाहे वो माइनोरिटीज का हो, चाहे वो लेबर एम्प्लॉयमेंट का हो, जस्ट एग्जाम्पल मानते बंदा लेबर एम्प्लॉयमेंट का है, सपोज डेट, ठीक है, इसकी इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है 15/11/2022। ठीक है, और DNSS वेरिफिकेशन 31/12/2022, इससे पहले पहले इस बंदे को फॉर्म को वेरीफाई करवाना पड़ेगा, नहीं तो इसका फॉर्म रुक जाएगा। तो आई होप आप, अगर आपने ऐसी मिस्टेक कर रखा तो आपका डिफेक्ट 100% आना तय है, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। अगर आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, ऐसा कुछ ऑप्शन चुना है, सर्टिफिकेट अपलोड किया है सही वाला, वेरीफाई वाला, तो आपका फॉर्म आराम से वेरीफाई हो जाएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये एक गुड न्यूज थी, एक बैड न्यूज थी, वो आपको समझ में आ गया। सारी डिटेल इस चैनल के थ्रू आपको मिलता रहता है जेन्युइन कंटेंट के साथ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इस तरह की अपडेट, स्कॉलरशिप वीडियोस, कोर्स, इंटर्नशिप्स रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब्स इस चैनल के थ्रू अवेलेबल रहता है। सटीक जानकारी, सटीक कटों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।